जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है कि अभी हमने जी भर के देखा ही नहीं है। लेकिन राम कहते हैं कि मैं तो तेरे अंदर विराजमान हूँ, हर समय हर पल तेरे साथ ही तो रहता हूं, बल्कि मैं कोई अलग से नहीं, तेरा और मेरा तो एक ही प्राण है, एक ही जान है, मैं तुझसे कभी अलग हो ही नहीं सकता। तो देवी और सज्जनों, हमारे पहाड़ों में जब भी हम अपने कुल देवता और कुल देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो फीलिंग होती है, वहाँ पर जो हमें सुनने को और देखने को मिलता है, तो देवी कहती हैं कि मैं तुझसे कभी अलग हुई नहीं, हर समय तेरे साथ में विराजमान हूँ, जब भी तुमने मुझे याद किया मैं तेरे सामने आई हूँ। बस यही है कि तू अपने घर गृहस्थी के चक्कर में, अपने काम काज के चक्कर में मुझे भूल जाता है। जब भी याद करेगा तेरे सामने होंगी मैं, तू डायरेक्शन मांग तो सही मुझसे, आदेश आदेश मांग तो सही, मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊंगी। देवी कहती हैं कि आओ म्यारा भक्तो, मेरे पास आओ मेरे भक्त, हर समय मैं तेरे साथ ही तो रहती हूँ, और तू कहीं भी जा, जब भी तुझे माँ की याद आए तो एक बार अंदर से पुकार कर देखना तो सही, मैं तेरे सामने विद्यमान होंगी, भले किसी रूप में भी हो। तो आप भी अपने देवी देवताओं के, कुल देवताओं की बातों को सुने, उन पर विश्वास करें, वो हर समय आपका साथ देते हैं, आपके साथ रहते हैं, कहीं भी रहो, लेकिन वो आपसे दूर नहीं, आप जरूर उनको बुलाने की कोशिश करते हैं। तो अपने पहाड़ों में जाइए, बच्चों के साथ जाइए, अपने कुल देवता और कुल देवी के दर्शन कराइए, और अपनी भूमि से जुड़िए, अपनी जड़ों से जुड़िए, अपनी जड़ों में लगातार बार बार पानी जारी कह जाऊँ। जब जड़ें मजबूत होंगी, पानी उनमें लगातार, खाद पानी उनमें लगातार जाता रहेगा, तो आप कहीं भी रहो, फलित फूलित पुष्पित होते रहोगे, हमेशा तरोताजा बने रहोगे। तो करें आप इस पर विचार। नमस्कार, जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड। जाओ म्यारा भगतो, राजी रया खुशी।